ଖବର ଖବର ପରେ ଖବର କିଛି ଘଟଣା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କିଛି ଗତାନୁଗତିକ ସବୁ ଖବର ଆମ ପାଖେ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଏ ଖବର ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖବର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। शोचनीय रास्ता जगो गाँ को पशि पारानी आंबुलांस स्ट्रेचर में बुहा है रोगी असहाय वर्षा रास्तार अवस्था बेहाल फल जरूरकालीन काम बाधा सृष्टि बलांगी जिला बंगमुंडा ब्लॉक अंतर्गत तुरेकेला गाँ को आंबुलांस जा न पारू आंबुलांस कर्मचारी मैंने रोगी को स्ट्रेचर में बोही आनी सूचना अनुसार ग्रामर 13 वर्षीय नाबालक दुर्गा प्रसाद छुरा सिक्लीन रोग से पीड़ित अच्छा आज सका से असुस्थ अनुभव कर डाक्तखाना नेवाई 108 आंबुलांस को फोन कराइला हेले वर्षा जो गाँ रास्ता काद हो आंबुलांस गाँ को पशि पारा ना कुमार गौरव प्रथम नेतृत्व में आंबुलांस कार्यरत कर्मचारी कमल महानंद ड्राइवर मायाधर बगर्ती और हेल्पर धरणीधर सुना कादो रास्ते रोगी को स्ट्रेचर में बुहा हुई आंबुलांस को आनी से सिंधिकेला स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर बलांगीर किस परिसर में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद निरंजन विश्व को बलांगीर किस पक्ष संबर्धना दी जाएगी। संबर्धना सभा में मुख्य अतिथि भाव किस प्रतिष्ठाता तथा कंधमाल लोकसभा सांसद अच्युत सामंत जोगदे राज्यसभा सांसद श्री विश्व को पुष्पगुच्छ उपढ़कन दे संबर्धित करते सभा में अन्यतम अतिथि भाव बलांगीर जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती देवकी साहू जिला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती मिथिला माझी बलांगीर पौराध्यक्ष श्रीमती लिका साहू जोग देते कार्यक्रम में जिला परिषद सभ्य सभ्या ब्लॉक अध्यक्ष अध्यक्ष समेत जिलार वरिष्ठ बीजेडी नेता माने उपस्थित थे। एही अवसर में लोकसभा सांसद श्रीजुक्त अच्युत सामंत और राज्यसभा सांसद श्रीजुक्त निरंजन विश्व को ग्रामीण डाक सेवक संघर संपादक दशरथ दास संवर्धना ज्ञापन करते पुणि जड़े दादन श्रमिक शव हो फेरी बलांगीर जिला देवगांव ब्लॉक समरा गांवर 19 वर्षीय युवक सीताराम प्रधान चलित वर्ष जानुरी मासरे तमिलनाडु त्रिपुर को जाते रुठन कंपानी काम करने को हेले आज मरशरीर घर को आसी गत सोमवार दिन मृत्यु होता बेले आज मृत शरीर गांव को आसी तेरे मृत्यु कारण दुर्घटना बोली कंपानी सह स्थानीय पुलिस कहता बेले परिवार लोक हत्या अभियोग आपटे न्याय सह पर लोक क्षतिपूरण देवाक दावी कर रायगढ़ जिला गुणपुर स्थित जीआईईटी विश्वविद्यालय पक्षर् आज स्थानीय होटेल त्रिवेणी ठारे अभिभावक सम्मेलन अनुष्ठित हो विश्वविद्यालय प्रेसिडेंट डॉक्टर सत्यप्रकाश पंडा एवं वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर चंद्रध्वज पंडा वीडियो वार्ता प्रदान करते एमबीए विभाग प्रोफेसर सुब्रत महांति और एडमिशन विभाग सुजित कुमार पंडा श्री अबीरभूषण पंडा जोगदे विश्वविद्यालय पक्षर् छात्र छात्री मानक दिया उच्चमान शिक्षादान प्रशिक्षण और ग्रंथागार सह उच्चमान निजुक्ति सुजोग छात्र छात्री मानक देखते छात्र छात्री मैंने बहुदेशीय कंपानी मानक निजुक्ति पाई रेकर्ड सृष्टि अनुष्ठान टेक रखुवा निज भाषण में कही अनुष्ठान पुरतन और बर्तमान अध्ययन करुवा छात्र छात्री मानक अभिभावक मैंने जोगदे छात्र छात्री मानक भविष्य विषय उपस्थित अनुष्ठान प्रोफेसर मानक आलोचना करते एडमिशन विभाग आशीष कुमार नेगी और पंचानन त्रिपाठी प्रमुख सम्मेलन को परिचालना करते जीआईटी यूनिवर्सिटी को वर्तमान 25 वर्ष हला आमे आमर सिल्वर जुबली ईयर वर्तमान पालन करुचु तो मैनेजमेंट यही समय डिसाइड कले जमीक कौन भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्र मेजर स्टेकहोल्डर होती पेरेन्ट आउ स्टूडेंट तो आमर मैनेजमेंट डिसाइड कले आमर जीआईटी टीम पेरेन्ट मान गहण को जाकि आमर एचिवमेंट आउ स्ट्रेंथ आम पिला चाकरी उपयोगी इंडस्ट्री रिलेवेंट करने जहाँ भी एफर्ट लगोचु से विषय पेरेन्ट मान एवेयर करूँ आउ एजे इंस्टीट्यूट आम जहाँ भी करुचु आउ पेरेन्ट मानक अभिभावक मान कौन रोल से पिलार भविष्यटा को बिल्ड करने से विषय आम पेरेन्ट मानक एवेयर करने चाहिए। स्थानीय सांबादिक भवन सम्मेलन कक्ष में कुतुला पेक्सर चाषी मैंने एक सांबादिक सम्मेलन आह्वान कर एक संगीन अभियोग आनी मतानुसार दुर्नीति को चापी दुर्नीति निवारण विभाग कर्ष पूर्वे बलांगीर जिला देवगांव ब्लॉक अंतर्गत कुतुला पेक्स घोर आर्थिक अनियमितता और दुर्नीति को नहीं दुर्नीति विभाग चढ़ाव कर एथसह कुतुला पेक्स बहु गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र जबत कर उक्त चढ़ाव को 7 वर्षर अधिक समय बीती जाते सुधा बलांगीर दुर्नीति निवारण विभाग एजाए चुप बसी विभाग एभली कार्य दुर्नीति को चापी देवारे सफल हो स्थानीय सांबादिक भवन सम्मेलन कक्ष में कुतुला पेक्स चाषी मैंने गुरुतर अभियोग आनी आयोजित सांबादिक सम्मेलन में कुतुला गांवर चाषी भागवत नायक अनादिचरण पाणिग्राही सुकांत सागर और सुशांत साहू मंचासीन हो बलांगीर डीआरसीएस जिलापाल और बलांगीर विधायक उद्देश्य से चारिदफा दावीपत्र सूचना देते चाषी श्री नायक सांबादिक मानक संबोधित कर गत 10 वर्ष है पेक्स पक्ष गोटे भी जीवी मीट होना से आहरी आमर अंशगछित हिसाब पाईपार ना बेले नकली पार्चे अनेक दुर्नीति नकली चाषी को पेक्स स्थानित करी न हो
ମହୁଇ ଚାଷ କିପରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ୟତମ ଚାଷୀ ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୁତୁର୍ଲା ପେକ୍ସରେ ଭୂତ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ ଉଠିଛି ବୋଲି ମତ ଦେବା ସହ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଉଠାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଫାଇଲ୍ ରହିଥିଲେ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯୁବ ଚାଷୀ ଶ୍ରୀ ସାଗର ପେକ୍ସରେ ମନଇଚ୍ଛା କାରବାର ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଶୋଷଣ ଲାଗି ରହେ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଡିଆର୍ସିଏସ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଷୀମାନେ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯାଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଘେରାଉ କରି ଉଚିତ ଜବାବ ମାଗିବେ ବୋଲି ମିଳିତ ଚାଷୀ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଲେଖାଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ ବକ୍ସରେ।